समुद्र में उठा यागी चक्रवाती तूफान पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है। 30 साल बाद आए इस भीषण चक्रवाती तूफान के कारण सभी देश की मौसम की मार झेल रहे हैं। पहले तूफान दक्षिण चीन के तट से टकराया, इसके बाद दो दिनों के अंदर ये सुपर टाइफून बना और 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वियतनाम की तरफ बढ़ा। फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, नामीबिया आदि देशों में तबाही मचाई। अब ये भारत की तरफ भी मुड़ गया है। इस वजह से भारत में सितंबर महीने से भी भारी बारिश हो रही है, जबकि इस महीने में मॉनसून की वापसी हो जाती है। लेकिन यागी तूफान के असर से इस बार 15 सितंबर बीतने के बाद भी मॉनसून नहीं गया। यागी तूफान ने 3800 किलोमीटर दूर भारत में आकर भी अपना असर दिखाया है, जिसके परिणाम स्वरूप दिल्ली NCR, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश हो रही है और आगे भी कुछ दिनों और मौसम ऐसा ही रहने के आसार हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार मध्य प्रशांत महासागर में उठा तूफान यागी 3500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करके उत्तर भारत तक पहुंच गया है। इतने लंबे सफर और भारत में इसके प्रभाव को देखकर मौसम वैज्ञानिक हैरान है। वहीं उनको एक और रिसर्च का टॉपिक मिल गया है कि वैश्विक मौसम और समुद्र में कहीं भी उछने वाले तूफान भारत को किस तरह प्रभावित कर सकते हैं। भारत में इतनी दूर समुद्र में उठा तूफान भारत तक भी पहुंच गया है, यहां सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है। हालांकि इस तूफान के कारण भारत में बारिश हो रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों के लिए लाभकारी है, क्योंकि यहां पहले वर्षा की कमी रहती थी। यागी तूफान के नमी से भरे कण मॉनसूनी धाराओं के साथ मिल गए, जिससे पूर्वी, मध्य और उत्तरी राज्यों में बारिश हुई। इस बारिश ने जल संसाधनों को फिर से भरने और कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद की है। हालांकि जैसे जैसे ये तूफान पश्चिम की ओर बढ़ता है, चुनौतियों का सामना उतना ही करना पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मौसम विभाग स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए है, लेकिन मौजूदा संकेत बताते हैं कि इस तूफान का असर और मॉनसून की गतिविधियां जल्दी खत्म हो जाएंगी। आगे तूफान ने भारत में मॉनसून की वापसी के दिनों में भारी बारिश करवा कर कई राज्यों में सूखे की स्थिति को घटाया है। ये भारत के लिए फायदेमंद है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशांत महासागर में उठने वाले चक्रवाती तूफान का कितना दुर्गामी प्रभाव हो सकता है। ये हजारों किलोमीटर दूर भारत में मॉनसून के पैटर्न को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि जलवायु पैटर्न निरंतर विकसित हो रहा है, इसलिए ऐसी असामान्य घटनाएं कई बार घटित हो सकती हैं। तो यागी साइक्लोन को लेकर सबसे बड़ा अपडेट है कि जो मॉनसून अभी तक रुक नहीं रहा है, ये यागी साइक्लोन की वजह से कंटिन्यू, और कहा जा रहा है कि अक्टूबर तक ऐसी ही भारी बारिश होती रहेगी, फिर अचानक से ठंड आएगी। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं ABP Live।